लोगों का मांग क्या है और किस लिए भूख हड़ताल में बैठे हैं? हम लोगों का मांग मजदूरों पर हो रहे शोषण और न्यूनतम मजदूरी, साथ ही साथ इस क्षेत्र को फैक्ट्री प्रदूषण से मुक्ति के लिए है। और पिछले 6 जनवरी से, आज से 7 दिन पहले, 7वां दिन आज हमारा 7वां दिन है। हमारे एक साथी अभय कुमार साहनी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड सरकार लगातार रोजगार और नौकरी की बात कर रही है। आपको पता होगा कि एक साल पूरा करने से पहले हेमंत सोरेन कह रहे थे कि हम 10 से 15 हज़ार सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा हमने बकायदा निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि जहाँ जहाँ मौका है, जहाँ जहाँ अवसर हैं, वहाँ पर रोज़गार पैदा किए जाएँ। इसी बीच झारखंड सरकार के जो सत्यानंद भोक्ता जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो बकायदा कह रहे थे कि वो बेरोज़गारों को जो है रोज़गार भत्ता देंगे। इसके अलावा वो कह रहे थे कि हम उनको तमाम तरीके से तकनीकी रूप से दक्ष करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो भी जो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को ट्रेंड किया जा सके ताकि उनको नौकरी दी जा सके। लेकिन कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सरकार की तरफ से जारी जो न्यूनतम मजदूरी है, वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं हमारे युवा साथी भी। हमारे बीच आज बहुत सारे युवा साथी नहीं रहे इसी फैक्ट्री के कारण से। हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन इस इनके मनमानी को, झारखंड इस्पात फैक्ट्री के मनमानी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और मजदूरों को उनका न्याय और हम ग्रामवासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाए। मजदूर एकता जिंदाबाद। खबर है जो बताते हैं कि रामगढ़ जिला से जो इत्तेफाक रखता है और अरगड्डा के बिरसा लाल चौक पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अजय साहनी नाम है उनका। वो पिछले कई दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किस बात को लेकर बैठे हैं? उनका ये कहना है कि जो अरगड्डा में एक इस्पात उद्योग कारखाना है जहाँ पर मजदूर काम करते हैं और उनको जो है न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है क्योंकि जो एक आदर्श जो पेमेंट मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर हो रहे प्रदूषण के खिलाफ वो जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कई इन क्षेत्रों में उस कारखाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है और कई तरह की गैर जिम्मेदारियाँ जो उस कारखाना के द्वारा निभाई जा रही है, उससे जो है प्रदूषण फैल रहा है और कई युवा जो है उस क्षेत्र के बीमार हो गए हैं। और इसको लेकर वो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो तमाम बाकायदा अधिकारियों को लिखा है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी जो है सूद लेने वाला नहीं है। हालांकि जो लोकल लोग हैं, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, इन मुद्दों को लेकर काफ़ी सजग हैं और वो कहीं ना कहीं अजय साहनी के साथ का साथ दे रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर कह सकते हैं कि अधिकारी उनकी सूद नहीं लेने जा रहा है। अजय साहनी जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, मैंने कहा कि 2 मुख्य मुद्दा है। एक जो इस्पात कारखाना है, जो फैक्ट्री है, जो उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, उनको उनकी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए। दूसरा, उस कारखाने की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है बात नहीं सुनी जा रही है। उनके साथ कई और लोग शामिल हैं जिनका मैं आपको नाम बता दूं, सूरज उर्फ सिक्की पासवान, रिकी पटवा, शत्रुधन बेदिया, कृष्ण पासवान, जैसे कई लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां हैं, जो लोकल नेता हैं, समाजसेवी हैं और लोगों का साथ मिल रहा है कि बढ़िया स्टेप है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। जो सरकार लगातार नए नौकरी और रोज़गार देने की बात करती है, कहती है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करके रोज़गार देंगे, हालांकि उसका भी कोई जो है ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो ऐसा कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। बाकायदा अलग बात है कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन एक ऐसा फैक्ट्री जहां पहले से है, जहां मजदूर काम भी कर रहे हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कोई भी अगर मजदूरी करता है तो उसका एक न्यूनतम मजदूरी होती है, वो जो है फैक्ट्री मालिक को देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो जैसा हानि है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अधिकारी जो सूद उनकी नहीं ले रहे हैं। तो ये बाकायदा अजय साहनी के जो कुछ समर्थक थे जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो वेब समाचार को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और एक वीडियो भी उन्होंने जो हमें भेजा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो कुछ कह रहे हैं। लोगों का मांग क्या है और किस लिए भूख हड़ताल में बैठे हैं? हम लोगों का मांग मजदूरों पर हो रहे शोषण और न्यूनतम मजदूरी, साथ ही साथ इस क्षेत्र को फैक्ट्री प्रदूषण से मुक्ति के लिए है। और पिछले 6 जनवरी से, आज से 7 दिन पहले, 7वां दिन आज हमारा 7वां दिन है। हमारे एक साथी अभय कुमार साहनी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारा मांग है कि सरकार 1948 एक्ट के न्यूनतम मजदूरी एक्ट के को पूरा करे और मजदूरों का मांग को पूरा करे और साथ ही साथ इस क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी ग्रामीण गंभीर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। हमारे युवा साथी भी हमारे बीच आज बहुत सारे युवा साथी नहीं रहे इसी फैक्ट्री के कारण से। हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन इस इनके मनमानी को, झारखंड इस्पात फैक्ट्री के मनमानी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और मजदूरों को उनका न्याय और हम ग्रामवासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाए। मजदूर एकता जिंदाबाद।